नूर अम्मी, अरे आप तो घबरा गई। क्या बात है नूर अम्मी, 2 दिन से आप अपने कमरे से बाहर नहीं आई हैं। ऐसा लगता है जैसे अंदर ही अंदर आपको कोई बात खा रही है। नूर अम्मी, दर्द और जहर अंदर रखने से जानलेवा हो जाते हैं, आप इसको बाहर निकालते हैं। सानिया तुम जरा बाहर जाना, मुझे नूर अम्मी से कुछ बात करनी। नूर अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम यहां से चले जाओ मुर्तजा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नहीं जाऊंगा नूर अम्मी। मुर्तजा, मेरे सबर को मत आजमाओ, मेरी निगाहों से दूर हो जाओ बस। नूर अम्मी, आज मैं आपको सब हकीकत बताकर ही जाऊंगा। क्या हकीकत बताओगी? बोलो, क्या हकीकत बताओगी? इस घर में रिश्तों की पाकीजगी को मिट्टी में मिलाकर मेरा भांजा और मेरी बहू, क्या बताओगे? बोलो, क्या बताओगे कि जो गलीज इल्जाम तुम पर किंजा लगाती रही, तुम पर और आफरीन पर, वो सब सच थी? ये बताओगे? जिस घर ने तुम्हें इस घर का बेटा समझा, इस घर का मान समझा, इस घर का फखर समझा, उसी बेटे ने इस घर की आबरू को मिट्टी में मिला दिया, ये बताओगे? नहीं मुर्तजा, नहीं, ऐसी हकीकत सुनने की हिम्मत ही नहीं है मुझ में। खुदा के लिए तुम चले जाओ, चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे इस झूठ में जीने दो, वरना मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। मैं कयामत वाले दिन तुम्हारी मां से भी माफी मांग लूंगी, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम यहां से चले जाओ, हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, चले जाओ मुर्तजा, चले जाओ।